बक्सर शहर के मॉडल थाना क्षेत्र के मुनिम चौक के पास एसबीआई के मुख्य शाखा में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बैंक परिसर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के कारण बैंक में रखे जरूरी कागजात समेत कंप्यूटर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। बताते चलें कि बैंक में मौजूद गार्ड द्वारा बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण देर रात अचानक लग गई। बैंक में धुआं और आग की लपटें उठता देख इसकी जानकारी बैंक कर्मियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बैंक कर्मियों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मगर आग पर काबू पाने के बाद बहुत कुछ जलकर खाक हो गया। 2:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से सर के चेंबर से वहीं से आग लगा और धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया। आप जब आग लगा तब वहीं पर थे? जी हम लोग थे। आपको कब पता चला कि मतलब आग लग चुका है? वही 2:30 बजे के आसपास। हाँ, सबको बरियादी के पदाधिकारियों को दिया गया, सब लोग आए हुए उसी समय से, सब लोग के सहयोग से। अभी आग बुझ गई। आग किस तरह थी? आग उसी तरफ चारों तरफ से एक बैक शॉर्ट सर्किट से चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ से पूरा ये बैंक परिसर जो है वो आग के चपेट में था। उसे जी आग के चपेट में, पूरा बैंक नहीं, आधा इधर का पार्ट जो है, आधा तो उधर आधा से था। क्या पर्चा आपका? हम चंदन सिंह, यहाँ गार्ड में हैं। ठीक। 3 बजे भोर ही से हम लगे हुए हैं आग बुझाने के लिए। पूरा भयंकर आग सामने आया, तो छोटी गाड़ी से आया, तो फिर छोटी गाड़ी से कंट्रोल नहीं हुआ तो बड़ी गाड़ी को मंगाया, फिर बड़ी गाड़ी से कंट्रोल नहीं तो डुमराव सिटी का अनुमंडल से गाड़ी मंगाया गया। वहाँ से आने के बाद बड़े मकसद के बाद आग हम लोग काबू पा लिए। ये 3 बजे रात्रि से आप लोग? जी जी, 3 बजे से आग लगा हुआ है। तो अंदर पूरा जल के खाक? हाँ, जल गया है, लेकिन बचाने लायक जो कैश काउंटर सब बच गया है। सूचना कैसे मिला आप लोगों को? सूचना हम लोग प्रभारी द्वारा मिला, प्रभारी बोले कि आग लगा हुआ है, स्टेट बैंक ATM में लगा हुआ है। कहाँ कहाँ से लोग दमकल गाड़ी आई है? एक डुमराव से मंगाया गया है, फिर हम लोग बक्सर जिला से है, और थाना से भी मंगाया गया गाड़ी को। आपका संतोष पासवान। वहीं बैंक में मौजूद बैंक मैनेजर तरुण मिश्रा ने कहा कि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। ये कैसे आग लगी सर? देखिए, आग के कारण का तो अभी पता नहीं चल पाया है। रात में 2:45 बजे के करीब मेरे पास सूचना आई कि शाखा में आग लगा है। तत्काल मैंने यहाँ के जो मॉडल थाना इंचार्ज मालाकार साहब से मेरी बात हुई और उनसे ये अनुरोध किया गया फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलाइए। उन्होंने तुरंत सपोर्ट दिया, तुरंत यहाँ से एक मोबाइल टीम आई, पुलिस आया, विद इन 15 मिनट्स हम लोग भी आए और 15 मिनट के अंदर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी आ गई थी। आग पे चूँकि आग थोड़ा तेज़ था और चूँकि पहली मंजिल पर है इसलिए थोड़ा पहुँचने में उन लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, बट धीरे 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 2-3 गाड़ियाँ और सबने के सहयोग से आग पे काबू पा लिया गया है। क्या लग रहा है सर, कितना क्षति हुआ इनिशियल लेवल पे? देखिए, अभी इसको प्रारंभिक रूप से बताना बहुत मेरे लिए वो होगा, क्योंकि इसके लिए पूरी टीम हमारे कंट्रोलर्स का भी सहयोग इसमें है, सब लोग आ रहे हैं। फाइल वगैरह कंप्यूटर लैपटॉप तो जल गया है? लैपटॉप कह रहा हूँ, कंप्यूटर्स, ये सारा, चूँकि हीट इतना था इस क्षेत्र में, आग नहीं था हॉल एरिया में, लेकिन हीट इतना था, धुआं इतना था कि वो सब गल जाता है, वो सब उपयोग में नहीं रह गया है। और ये इसमें कोई डाटा सब सुरक्षित है, क्योंकि हमारा बैकअप ऑफिस पे इस पर डाटा सब सिक्योर रहता है, इसलिए डाटा की कोई चिंता नहीं है। प्रारंभिक में जो हार्डवेयर है, UPS है, ये सारा सब जल चुका है, हाई स्पीड नॉट शॉर्टिंग मशीन, ये सब जल चुका है। हम लोग अभी पूरी टीम, मेरी कंट्रोलर्स से बात हो रही है, वो लोग पूरा सहयोग देके पूरी टीम रवाना होगी और जल्दी से जल्दी हम लोग शाखा को रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है कहाँ से शुरुआत हुई होगी आज की? ऐसा मुश्किल है, प्रारंभिक पता चला कि एक चिंगारी सी लगी थी और वो धीरे धीरे फैलती चली गई। शॉर्ट सर्किट पता है? अब इसको बताना मेरे लिए, क्योंकि हम इसमें एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जो सूचना आपको कितने बजे करीब मिली थी? करीब 2:45 बजे मिली सुबह। ये सब डाटा, ये आपका डॉक्यूमेंट भी? डॉक्यूमेंट सारा फायर प्रूफ सेफ में है, डॉक्यूमेंट का कोई नुकसान नहीं है, जनता के किसी भी उस संपत्ति का कोई भी धनहानि नहीं हुआ है। बैंक में मौजूद अहम कागजात और जरूरी चीजें जलकर राख हो गई हैं। फिलहाल SBI बैंक कर्मियों के द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट।